साला देखो कैसे हो आप लोग। टॉप थ्री बेस्ट कैमरा मोबाइल अंडर 15,000। 15,000 में आपको मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल ओआईएस वाला कैमरा, उसके साथ साथ मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, 6,000 एमएच का लार्ज बैटरी। और दोस्तों ये सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ 15,000 के अंदर। तो दोस्तों डिवाइस कौन कौन सा है, अदर क्या क्या फीचर मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो दोस्तों इस लिस्ट की जो सबसे पहला डिवाइस वो आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 12 5G। इसके ओरिजिनल प्राइस 15,000 के आसपास रहता है, पर यहाँ पे डिस्काउंट काफी ज्यादा मिल जाते हैं। तो डिस्काउंट की बात, ये मोबाइल काफी अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। तो एक एक करके इसके भी सभी फीचर को जान लेते हैं डिटेल्स में। जी आप, आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट। तो कंटेंट कंज्यूम के लिए ये डिवाइस काफी तगड़ी होने वाले है। वहीं पे आपको मिलने वाले 1200 निट पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग में ये आपको काफी फायदे देने वाला है। और दोस्तों इसकी बात, मेरा पर्सनल जो फेवरेट चीज है इसके परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट जो आपकी 6nm पे बेस है, और ये एक 5G चिपसेट है। और दोस्तों इसकी जो एंटूसो स्कोर है ना वो 6 लाख के आसपास है। तो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल डिवाइस मुझे नहीं लगता अदर कोई भी डिवाइस पे है। तो इस मोबाइल पे आप कोई भी टाइप की गेम को एकदम हाई लेवल पे खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट भी मिल जाते हैं, तो प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी आप इसे कह सकते हो। तो आप अगर ढूंढ रहे अंडर 15,000 में 5G एक गेमिंग डिवाइस, तो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों बात करो रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जब है बेस वेरिएंट 4GB 128GB और दूसरी आपको 8GB प्लस 256GB वेरिएंट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद इसकी जो कैमरा है ना, कैमरा भी काफी तगड़ी है। तो कैमरे के लिए भी आप अगर 15,000 में मोबाइल लेना चाहते हो ना, तो भी इसे ले सकते हो। यहाँ आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब है मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है, उसके साथ साथ आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों अगर मैं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस मोबाइल पे आपको एक अच्छी चीज मिल जाता है, IP53 का रेटिंग मिल जाता है, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 5000mAh का बैटरी, उसके साथ साथ 33W के फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा इस डिवाइस पे। तो दोस्तों बात करें इसकी प्राइस, तो इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास फ्लैक्चुएट होता है, अभी इसकी प्राइस 15,500 है। और दोस्तों इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस वो आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G54। इस प्राइस पॉइंट पर आपको ओआईएस की सपोर्ट भी दिया गया और अदर फीचर भी काफी अच्छे अच्छे दिया गया। तो एक एक करके अदर सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विथ ओआईएस मिलेगा। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको ओआईएस की सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी ब्रांड ओआईएस को प्रोवाइड करता, पर आपको इस डिवाइस पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको रियर पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। इस मोबाइल की फोटो और वीडियो की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी है। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों इसकी जो एंटूसो स्कोर वो करीब करीब 4 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है 8GB का मैसिव रैम और 128GB का रोम, जो प्राइस के हिसाब से मुझे लगते हैं काफी ज्यादा है। और बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा 33W फास्ट चार्जिंग की साथ। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर मिलेगा, IP52 के वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड 13 पे रन होगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है, और मुझे पर्सनली यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाले
12 5G बैंड जो काफी अच्छी बात है, कोई भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आपको इस डिवाइस में नहीं आएगा। दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर, अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी जो बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB उसका प्राइस 14,000 है, पर अभी यहाँ पे देख सकते हो 1,400 रुपी का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी जो प्राइस वो 12,600 हो चुका है। इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक 5G मोबाइल है, तो आप अगर लेना चाहते हो इसे जरूर ले सकते हो। और जो 12GB 256GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस अभी 15,000 है, वहाँ पे भी आपको 1,400 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों इस लिस्ट की जो आखिरी और नंबर वन पे आता है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग M34। जैसे कि जाना जाता है सैमसंग की मोबाइल कैमरा क्वालिटी की वजह से, तो इस मोबाइल पे आपको काफी तगड़ी कैमरा क्वालिटी मिल जाते हैं, अदर जितने सारे फीचर है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों क्या क्या फीचर मिलता है सब कुछ डिटेल्स में जानते एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जब पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसे आप 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों फ्रंट और रियर की दोनों कैमरा काफी अच्छी है। और दोस्तों जैसे कि पता है सैमसंग की मोबाइल उसके कैमरा क्वालिटी के बारे में जाने जाते हैं, तो इस मोबाइल की कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Exynos 1280 5G चिपसेट जो 5nm पे बेस है। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6GB रैम और 128GB रोम पे मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी होने वाले, यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 nit पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी है। दोस्तों और एक चीज इस मोबाइल के अच्छी लगी, यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 25W फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सैमसंग की इस मोबाइल पे आपको 5 ईयर के अपडेट मिलने वाले हैं। हाँ दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए ये मोबाइल काफी अच्छे ऑप्शन हो सकती है। वहीं पे बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 16,500 के आसपास रहता है, पर कोई भी सेल आता है तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है, और इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर एक 5G बेस्ट कैमरा मोबाइल को ढूंढ रहे हो तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों यही था बेस्ट कैमरा सेंट्रिक मोबाइल अंडर 15,000। तो दोस्तों वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्यूचर में ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए।